नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पिछले महीने 10 मई से शुरू हो चुकी है और यात्रा को शुरू हुए एक महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। और खुशी की बात ये है कि इस एक महीने के समय में 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने चारधाम दर्शन किए हैं। लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है और उन लोगों के पास यात्रा से जुड़ी कई अच्छी यादें होंगी। सनातन धर्म में चारधाम यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए जीवन में एक बार तो हर इंसान चारधाम यात्रा पर जाना ही चाहता है। लेकिन जहां इतने सारे लोगों को अच्छी यादें मिली हैं, वहीं अब तक यात्रा के दौरान इस एक महीने में 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। एक्यूरेट बताएं तो अब तक करीब 114 लोगों की मौत चारधाम यात्रा के दौरान हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों की मौत सांस संबंधी दिक्कतों और दिल की बीमारियों की वजह से हुई है। दोस्तों, बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपका शरीर आपको खुद ही बताता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, आप चार धाम यात्रा पर जाने के लिए फिट हैं भी या नहीं। उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रा से करीब एक महीने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जिसमें यात्रा से जुड़े कई सारे सजेशंस दिए गए थे। फिटनेस सर्टिफिकेट, एक्सरसाइजेस, हर चीज के बारे में बताया गया था, लेकिन कई बार गलती हमारी तरफ से भी हो जाती है। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि चार धाम यात्रा जीवन में एक बार करना जरूरी है, लेकिन अगर किसी कारण से आप सही समय पर सही एज में यात्रा नहीं कर पाए और अब आपकी एज 60 से ज्यादा हो चुकी है, तो कायदे से इस उम्र में या इसके बाद आपको चार धाम यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 55 वर्ष से अधिक रही है और दोस्तों कारण भी साफ है। एक उम्र के बाद शरीर की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, शरीर पे हर चीज का असर ज्यादा होता है। एज कम होती है तो हम कई चीजों को झेल जाते हैं, शरीर पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उम्र ज्यादा होने पर शरीर पर छोटी छोटी चीजों का भी ज्यादा असर होता है। पहाड़ों की यात्रा कहीं जिंदगी भर सुनाने के लिए बुरी कहानी ना बन जाए, इसीलिए डॉक्टर्स और हिमालय के एक्सपर्ट्स की बात हर उस इंसान को माननी चाहिए जो चार धाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहा है। पहाड़ों पर जाते समय, खास तौर से धार्मिक यात्राओं के समय, लोग आस्था और जल्दबाजी के चक्कर में सेहत का ख्याल नहीं रखते, जबकि अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही पहाड़ों पर यात्रा करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इस साल ये पहली बार हो रहा है। चार धाम यात्रा के दौरान हर साल लोगों की मौत होती है। हम आंकड़ों में नहीं जा रहे कि कौन से धाम में कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मौत केदारनाथ धाम में हुई है। इसका कारण मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि चारों धामों में सबसे ज्यादा ट्रैकिंग केदारनाथ धाम में ही है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करना आसान जरूर पड़ता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हेलीकॉप्टर से यात्रा सब लोग नहीं कर पाते हैं। ये एक कॉस्टली ऑप्शन है और सबके बस की बात भी नहीं होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन मौतों के पीछे की वजह क्या है? क्या वहां जाने वाले सभी लोगों के लंग्स में उनके हिस्से की हवा नहीं मिल पा रही है, या फिर लोग बिना अपनी सेहत की जांच कराए बगैर, बिना पहाड़ी जलवायु से अभ्यस्त हुए यात्रा पर निकल गए, या फिर सारे प्रिकॉशंस के साथ जाने पर भी ऐसा हो रहा है? आखिर इसका सही रीजन है क्या? साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहाड़ों पर जाने से पहले शरीर को एक्लिमेटाइज करना होता है, यानी पहाड़ी जलवायु के हिसाब से शरीर को ढाल लेना। ये आसान काम नहीं है क्योंकि लोगों के पास समय कम है, जल्दी जाकर जल्दी लौटना भी होता है, इसीलिए लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। और दूसरी वजह है आपकी सेहत। सांस संबंधी दिक्कत हो, ब्लड प्रेशर हो, या फिर हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हो, या फिर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो, इन सारे केसेस में यात्रा से बचना चाहिए, या फिर जो आपके डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं उन सभी चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि आपके शरीर का ऊंचाई और जलवायु से सीधा संबंध है। IIT रुड़की के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्लेशियर एक्सपर्ट और हिमालयी क्षेत्रों के जानकार प्रवीण कुमार सिंह ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में पहाड़ों पर जाने वालों के लिए मेडिकल रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि 24 घंटे में औसतन 500 मीटर और अधिकतम 1000 मीटर की ऊंचाई पूरी करनी चाहिए। लोग चार धाम जैसी यात्राओं में
इन चीजों का पालन नहीं कर पाते और जल्दबाजी करते हैं। कोशिश करते हैं कि दर्शन जल्दी से हो जाएं। इस दौरान वो कभी अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रख पाते। शरीर को पहाड़ों के अनुसार एक्लिमेटाइज करना जरूरी होता है। अगर आप 500 से 1000 मीटर जाते हैं तो वहां एक दिन या रात रुक कर थोड़ी ट्रैकिंग करनी चाहिए ताकि आपका शरीर पहाड़ी जलवायु के साथ एडजस्ट कर सके। प्रवीण सिंह ने सलाह दी है कि चार धाम यात्रा करने वालों को रुद्रप्रयाग या गौरीकुंड या फिर देवप्रयाग में एक रात या एक दिन रुककर शरीर को एडजस्ट करना चाहिए। पहाड़ों पर अगर बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कोरोना काल में सबकी फिटनेस खराब हो चुकी है, सांस संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, इसकी वजह से ऊंचाई पर जाने में दिक्कत आती है। जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो दिल का काम तेजी से बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल स्थित कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवजीत तालुकदार ने कहा कि ऊंचाई वाले स्थान पर बीपी की समस्या एक बड़ी दिक्कत है। अगर सांस संबंधी दिक्कत है तो आपको हाई एल्टीट्यूड एडिमा होने की आशंका भी बनी रहती है। पहाड़ों पर जाने वाले लोग 40-50 हज़ार रुपए यात्रा पे खर्च करते हैं, लेकिन उससे पहले मेडिकल जाँच में थोड़ा खर्चा करके सेहत की रिपोर्ट नहीं लेते। पहाड़ पर पला बढ़ा व्यक्ति और मैदानी इलाकों के इंसान के शारीरिक क्षमता में अंतर होता है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहाड़ों पे पले बड़े हैं उनकी शारीरिक क्षमता पहाड़ी इलाके में एडजस्ट करने की हमसे ज़्यादा होती है। जो लोग मैदानी इलाकों में पले बड़े हैं उनकी क्षमता थोड़ी कम होती है। ऊंचाई पर हवा पतली होती है और ऑक्सीजन की भी कमी होती है। डॉक्टर्स ने बताया कि लोगों को जाने के पहले ट्रेडमिल टेस्ट यानी TMT टेस्ट कराना चाहिए। अगर इस टेस्ट में रिजल्ट 7 से 8 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट होता है तो वो ट्रैकिंग पर जा सकते हैं, और अगर इससे कम है तो नहीं जाना चाहिए। सामान्य इंसान को एक दिन में 500 मीटर से ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। अगर किसी की एथलीट बॉडी है तो भी उसे 24 घंटे में 1000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर नहीं चढ़ना चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल भी आपका सही होना चाहिए और आपको लंग्स की बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के से पर्वतारोहण की ट्रेनिंग प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर भानु प्रताप कहते हैं कि पहाड़ी यात्रा से पहले शरीर को वहां की जलवायु के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाना है तो कम से कम 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर 2 से 3 दिन रुक जाइए, वहां ट्रैकिंग करिए, वहां के जलवायु के साथ शरीर को अभ्यस्त करिए। अगर अचानक से आप दिल्ली से 300 मीटर की ऊंचाई से सीधे 3500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपके शरीर को शॉक लगेगा। पर्वतारोही और ट्रैकर हाइट गेन और हाइट लॉस के फॉर्मूले पर काम करते हैं, यानी किसी निचली ऊंचाई से ऊपर जाते हैं, वहां थोड़ा समय बिताते हैं और फिर वापस नीचे आते हैं। वो इसी तरह से अपने शरीर को एडजस्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई गई हैं और बेशक वो बहुत कारगर हैं। तो अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से अपने यात्रा की प्लानिंग करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।